कैंडी ने स्कूल इवेंट में काफी ज्यादा मदद की थी। उसने तो यही सोचा था कि मैं एक दिन ही यहाँ पे रुकूंगा, लेकिन इतना ज्यादा काम होगा उसे ये नहीं पता था। और सांगयू ने उससे माफी भी मांगी थी क्योंकि उसने कैंडी को परेशान करने की कोशिश की थी और उस दौरान ही कैंडी को चोट लग गई थी। हाजुन बहुत ही परेशान हो गया था और उसने सांगयून को यह धमकी दी थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवा दूंगा और तुम्हें इसकी पेनल्टी तो चुकानी पड़ेगी। तो सांगयू यहाँ पे कैंडी से माफी मांगने आया है। अगर कैंडी उसे एक स्टेटमेंट लिख के देगा तो फिर उसकी पेनल्टी माफ कर दी जाएंगी। लेकिन कैंडी ने कहा कि तुम लोगों की वजह से जितने भी लोग यहाँ से जॉब छोड़ के गए हैं उन सब से माफी मांगो। और सांगयू की वजह से ही कैंडी को पता चला कि हाजुन उसकी कितनी ज्यादा केयर करता है। अभी स्कूल इवेंट का वक्त है, ये सब कुछ उससे पहले हुआ था। हाजुन कुछ सीट आगे बैठा है और कैंडी उसकी ओर देखता हुआ सोचता है कि ये तो बस मेरा दूसरा विचार है, मतलब कि बाहर से सिर्फ ऐसा दिखता है कि हाजुन असलियत में उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। कैंडी सोचता है कि वो एक्चुअली मुझसे प्यार करता होता तो क्या होता। तभी हाजुन भी पीछे उसकी ओर देखता है और उसकी ओर स्माइल करता है, लेकिन यहाँ पे कैंडी खुद को रोकता है कि वो सिर्फ बेड पर ही मुझसे प्यार करता है, मैं आखिर किस बात को लेकर इतना ज्यादा एक्साइट हो रहा हूँ। उसने हाजुन और युनजे को गले लगाए देखा था तो उसका दिल टूट गया था। अभी वो उस बारे में सोचता है कि तुम जानते हो कि लास्ट टाइम क्या हुआ था, तुम्हारी कैसी हालत हो गई थी। फिर इवेंट पूरा होने के बाद सब लोग पार्टी कर रहे थे और मीना और उसकी फ्रेंड उसे भी अपने साथ ले गई कि चलो हम दूसरी जगह पे ड्रिंक करने चलते हैं। वो लोग ड्रिंकिंग गेम खेल रहे थे और फिर सभी लोग ड्रंक हो गए। हाजुन जब वहाँ पे आया तब सभी लोग ऐसे ही फ्लोर पे पड़े थे। उसने सिंपली लड़के और लड़कियों को अलग किया ताकि उसे पता चल जाए कि किस किस को घर भेजना पड़ेगा। कैंडी एकदम ही साइड में बैठा हुआ था। हाजुन उसके पास आया और पूछता है कि सियुन क्या तुम ठीक हो, तुमने कितना ड्रिंक किया। कैंडी ध्यान से देखता है कि हाजुन ये तुम हो। हाजुन कहता है हाँ ये मैं हूँ, क्या तुम खड़े हो पाओगे, लेकिन कैंडी उसे गाली देता है। हाजुन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम जब ड्रंक होते हो तब तुम कन्फेस करते हो, तो तुम मुझे ये कहना चाहते थे। कैंडी उसे धक्का देके उसके ऊपर आ गया और गाली देता हुआ कहता है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए, अब मुझे तुम्हारी कितनी देखभाल रखनी पड़ती है। लेकिन ये बोलते हुए वो सो गया। हाजुन सोचता है कि क्या मेरा ख्याल रखने की जरूरत है। बचपन में कैंडी को बचाने के चक्कर में हाजुन को चोट लग गई थी, तो अभी हाजुन सोचता है कि मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, वो तुम हो जैसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम जो भी होंगे मैं वो एक्सेप्ट कर लूंगा। और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रीजन की वजह से मेरे पास आए थे और तुम मेरे पास से क्या चाहते हो। तुम्हारा असली नाम जो भी हो, सियुन, युनजे या फिर जिनो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। फिर जब कैंडी की नींद खुली तो वो एक मोटल रूम में था। हाजुन उसे यहाँ पे ले आया था, वो उसे अपने घर इसलिए नहीं ले गया क्योंकि हाजुन जब भी उसे कार में बिठाने की कोशिश करता तब कैंडी को उल्टी होने लगती थी। कैंडी जब ड्रंक होता है तब वो कार में नहीं बैठ सकता। कैंडी पूछता है कि स्टूडेंट्स का क्या हुआ। हाजुन कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो फिर मैं उसकी नहीं अपनी ज्यादा केयर करता। आखिर तुम इतना ज्यादा ड्रिंक ही क्यों कर रहे थे, जब तुम शराब के आसपास हो तब तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है।